दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं माइक्रोफ्लोरा के ऊपर, सूक्ष्म जीवी अच्छे वाले। दोस्तों मेरा मकसद है, हमारी कंपनी का मकसद है कि हमारा छोटे से छोटा किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी पालक भाई, डेयरी किसान या बड़े से बड़ा डेयरी किसान, वो अशिक्षित ना रह जाए, अनएजुकेटेड ना रह जाए। अगर वो इस लाइन में आ रहा है तो, अगर वो डेयरी की लाइन में आ रहा है तो, पशु व्यवसाय में या दूध के व्यवसाय में आ रहा है तो, वो किसी भी ऐसे आँख मीच के अपना धंधा ना करे। बस बाजार से फीड लाया, बिना कैलकुलेशन करे दूध बेच दिया, बिना पशु की जानकारी के कि भाई उसका सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा, किस तरीके की बीमारियां उसके फार्म पे आ सकती हैं, किस तरीके से उसका सिस्टम काम करता है, अब मुझे क्या उसको देना है, क्या नहीं देना है, ये सारी जानकारियां एक छोटे से छोटे या जो घर में पशु रखता है उसको भी होनी चाहिए, बड़े से बड़े डेयरी फार्मर को भी होनी चाहिए, छोटे डेयरी फार्मर को भी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। तो हमारा मकसद है कि भाई छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपकी जानकारी पशु के बारे में बढ़िया से बढ़िया रहे, ताकि आपको कोई किसी भी तरीके से ठगे ना, आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर नुकसान ना पहुंचाए, और आपका पैसा आपकी जेब में रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोफ्लोरा की, सूक्ष्म जीवी की, अच्छे वाले की। दोस्तों सबसे मेन काम दूध उत्पादन में अगर मैं कहूं तो इन्हीं माइक्रोफ्लोरा का होता है। दोस्तों ये माइक्रोफ्लोरा पशु के र्यूमन में, जहां खाना जाके सारा इकट्ठा हो जाता है, वहां पाए जाते हैं। इन माइक्रोफ्लोरा की, इन सूक्ष्म जीवी की, ये माइक्रोफ्लोरा, ये सूक्ष्म जीवी खाने को तोड़ते हैं, काटते हैं। ये इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा पेट के अंदर होगी, उतना ज्यादा पशु हेल्दी रहेगा आपका। इनकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा रहेगी, उतना आपका पशु बीमारियों से दूर रहेगा। हम आदमी, मनुष्य दही खाता है, दही के अंदर भी अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं, उसके अंदर भी अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं। अगर आप उसकी लैब में टेस्टिंग कराएंगे, और बड़े बूढ़े और हमारी माँ भी कहती है कि भाई उसके अंदर अच्छे जीवाणु होते हैं, ताकि हमारे जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, उसके अंदर अच्छे जीवाणुओं की, एंटीप्रोबायोटिक्स की संख्या बढ़ सके, जो कि खाने को पचाने में हमारी हेल्प करती है, और हमारे पेट को और लीवर के सिस्टम को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इसी तरीके से ये पशु का, र्यूमन का सिस्टम है, इसमें माइक्रोफ्लोरा की संख्या जितनी ज्यादा से ज्यादा रहेगी, पशु की हेल्थ, पशु का मिल्क प्रोडक्शन उतना ज्यादा से ज्यादा बना रहेगा। दोस्तों ये साइड में आप देख रहे हैं, ये साइड में जो ये मैंने निशान बना रखे हैं, ये पशु की र्यूमन वॉल के, जो पाचन तंत्र की वॉल के साइड में, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इस तरीके से ये चीजें निकली हुई होती हैं, इस तरीके से। ये सब चीज खाना टूटने के बाद, ये जब इसके अंदर खाना टूट जाता है, तो ये चीज सारी इन विटामिन्स को, मिनरल्स को, फैट को, एनर्जी को, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, और ब्लड लाइन के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करती हैं, बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती हैं। इस तरीके की, इनको पैपिले बोला जाता है, पैपिले। ये देखो, ये इनको पैपिले बोला जाता है, पैपिले, इनको पैपिले बोला जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके से र्यूमन की वोल के, वोल से बिल्कुल चिपकी हुई होती है। ये जितनी हेल्दी रहेंगी, पशु उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। ये जितनी इनकी संख्या, ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जब पशु बच्चा देता है उसके बाद ये सिकुड़ जाती है,
क्योंकि ये काम करना छोड़ देती हैं। पशु के बच्चा देने के बाद ये फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद इन ये फिर से लंबा अपना साइज इनका लंबा होना शुरू हो जाता है और ये फिर से एक्टिव होनी शुरू हो जाती है क्योंकि फीड इनटेक दोबारा बढ़ने लग जाता है, मिल्क प्रोडक्शन दोबारा बढ़ने लग जाता है और फीड की डिमांड, खाने की डिमांड दोबारा पशु ज़्यादा करने लग जाता है। अब अगर माइक्रोफ्लोरा, ये माइक्रोफ्लोरा, ये सूक्ष्म जीवी पशु के पेट में कम होंगे तो क्या नुकसान होंगे? सबसे पहला नुकसान होगा डाइजेशन का, पशु के पेट का खाना नहीं पचेगा, अपच की समस्या आएगी, गोबर में खाना साबुत दाना निकलना शुरू हो जाएगा, पतला गोबर करेगा, जो आप अनाज उसको खिलाएंगे वो अनाज उसका गोबर में निकलना शुरू हो जाएगा, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आएगी उसको। उसके बाद एसिडोसिस की समस्या, सबसे बड़ी समस्या एसिडोसिस की, उसकी बॉडी के अंदर तेजाब बनना शुरू हो जाएगा, कम लार बनेगी। तेजाब बनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसका दूध का प्रोडक्शन डाउन आ जाएगा, वो कम खाना खाने लग जाएगा, तूड़ी कम खाएगा, भूसी कम खाएगा, साइलेज कम खाएगा, फीड कम खाएगा, उसका शरीर टूटा हुआ रहेगा, ढीला पड़ जाएगा। ये सब सिस्टम माइक्रोफ्लोरा का है, र्यूमन का है, र्यूमन में तेजाब बनने का है। अगर उसका तेजाब, उसके उसके सिस्टम में तेजाब बनना शुरू हो गया, तेजाब कब बनता है? जब उसका खाना नहीं पचता, खाना एक हद से ज़्यादा हम देना शुरू कर देते हैं, उसके सिस्टम में खाना पचता नहीं है, माइक्रोफ्लोरा की संख्या, सूक्ष्मजीवी की संख्या उसके पेट में कम होती है और उसके पेट में तेजाब ज़्यादा बनने लग जाता है। हेल्प इन मेकिंग, अगर उसके पेट में ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा होगा तो ज़्यादा लार बनेगी, ज़्यादा लार बनेगी तो ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा बनेगा, ये वाइस वर्सा वाली कंडीशन रहती है, एक दूसरे के साथ ये लिंक रहते हैं। अगर ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा रहेगा तो ज़्यादा लार बनेगी और लार अपने आप में ही एक माइक्रोफ्लोरा है, लार के अंदर खाना पचाने की अपने आप में ही एक इतनी ज़्यादा क्षमता होती है। तो फीड खिलाने से पहले आप अपने पशु को हरा चारा और भूसा खिलाएं जिससे उसके मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा लार बने और फिर आप उसको फीड दीजिए जिससे उसका जो फीड है, जो उसका पशु आहार है, जो उसकी खलिया है, वो आसानी से पच जाए। उसके बाद अगर उसकी माइक्रोफ्लोरा उसके पेट में ज़्यादा बन रहा है तो जो फीड, जो रिजल्ट आपको 6 किलो फीड में आना है, हो सकता है वो रिजल्ट आपको वो 5 किलो फीड में ही दे दे, इतना ज़्यादा फायदा होता है माइक्रोफ्लोरा का अगर उसके पेट में हद से ज़्यादा बढ़िया माइक्रोफ्लोरा बने हुए हैं तो। ड्राई मैटर को भी अच्छे तरीके से पचा लेता है, बढ़िया रिजल्ट आता है ड्राई मैटर इनटेक का भी, सूखे भूसे हरे चारे को भी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ पशु हजम कर लेता है। लैमनेस की, लंगड़ेपन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ये सीधा सीधा संबंध रखता है एसिडोसिस से, तेजाब की समस्या से, तेजाब की समस्या सीधे सीधे लिंक होती है लंगड़ेपन से। अगर आपके पशु में लंगड़ापन आ जाता है एसिडोसिस की समस्या से, ये सीधा लिंक होता है माइक्रोफ्लोरा से। ये सारी बीमारियाँ एक दूसरे से लिंक है, ये सारा एक कुंबा है, एक परिवार है, एक बीमारी आएगी उसके साथ ये 3-4 बीमारियां इकट्ठी आपके पशु के अंदर आएंगी। आप एक बीमारी का सुधार कर दीजिए, ये 3-4 बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उसके पेट का माइक्रोफ्लोरा बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना आपको। आप उसके पेट का अगर माइक्रोफ्लोरा बढ़ा देंगे तो अपने आप ही उसके पेट में ये सारी दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी।
तो दोस्तों अब बात करेंगे हम समाधान की। इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों एक तो 50 ग्राम मीठा सोडा आप अपने पशु को जरूर दीजिए अगर आपको इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर तेजाब की ज्यादा समस्या दिखने को मिल रही है तो कुछ दिनों के लिए अपने पशु का भारी खाना मतलब अनाज खलिया पशु आहार ये सब कम करके उसको हरे चारे भूसे पर रखिए ताकि उसकी लार ज्यादा बने। एक बारी उसकी लार ज्यादा बनने लग गई तो धीरे धीरे उसका पशु आहार खोल दीजिए। एक बारी उसका माइक्रोफ्लोरा सेट हो जाए तो फिर उसका पशु आहार आप दोबारा खोल सकते हैं। दोस्तों मार्केट में लाइव ईस्ट नाम की एक दवाई मिलती है, लाइव ईस्ट, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं पेट का माइक्रोफ्लोरा बढ़ाने के लिए, इमीडिएट माइक्रोफ्लोरा बढ़ाने के लिए, जिससे पशु का माइक्रोफ्लोरा आसानी से बढ़ जाएगा। इसकी डोज इसी पैकेट पर रिकमेंड की जाएगी और आपको इसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक पर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने पशुपालक भाइयों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों प्रणाम।